اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، وعدل للشرك والمشركين واليهود والنصارى والهنود في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن مگر اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. دائس پہ تشریف فرما، ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث صوبہ جموں، صدر ضلع جمعیت اہل الحدیث ضلع ڈوڑا، واجب الاکرام جمعیت سے وابستہ مختلف عدلہ سے آئے ہوئے علماء کرام اور صد احترام تشریف فرما سامعین کرام، تمام حمد و ثنا اللہ بزرگ برتر کے لیے درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. علماء کرام کی پند و نسایا سے سامعین کرام صبح 9 بجے سے اس وقت تک مستفید و مستفیض ہوئے، اللہ علماء کرام اور سامعین کا سننا اور کہنا اپنے حضور قبول فرمائے، آمین. مختلف اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مندوبین کے جو حاجات ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، مجلس کے اختتام پہ ہم اللہ بزرگ برتر کے حضور دست بدعا ہے اس مجلس کو اختتام کرنے سے پہلے وہ تمام حاجات اور مسائل و مشکلات اپنے فضل و احسان سے حل فرمائے جو لے کے ہم اس بچھائے ہوئے زمین کے خطے پہ اس وقت تشریف فرما ہے. میرے لیے شاید بات کرنا بہت ہی گہرا اور امتحان سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ جن آیات بینات اور احادیث کو لے کے میں آپ کے ہاں تشریف لایا تھا، میرے فاضل علماء کرام نے ان سبھی آیات بینات اور احادیث مبارکہ کا احاطہ کیا اور لبکشائی بھی فرمائی. اب جو باتیں میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھنے کی صحیح جاری رکھوں گا، مجھے امید قوی ہے کہ اللہ بزرگ برتر مجھے ان باتوں کو آپ کے ہاں پہنچانے میں اپنی تائید و نصرت شامل رکھے، آمین. اس پرفتن اور پرآشوب دور میں دینی اجتماعات کا اہتمام کرنا واقعی
जिम्मेदारान और मुसलमानों के लिए काबिल इफ्तिखार और बाइस सादत से कम नहीं, क्योंकि आज की दुनिया जो नजर आती है वो गुना वो मसाइल और मसाइब से दूचार नजर आती है। इन मसाइल और मुश्किलात से निकालने के लिए जब तक इंसानियत का रिश्ता उस आफाकी पैगाम और आफाकी प्रोग्राम से न जुड़ा जाए, तब तक इन मसाइल का न कहीं से हल आपको नजर आएगा और न इंसानियत जो सिसकती हुई इस वक्त नजर आ रही है उसका किनारा आपको कहीं नजर आएगा। इसके बगैर जो भी नुस्खा और जो भी आइडियोलॉजी जो भी हिकमत अमली वादा की जाती है वो शायद इस शहर पे मिसदाक आती है। ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, क्योंकि टाइम ब टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ उन तमाम चीजों को बदल दिया जाता है जो आज इंसानियत के मसाइल के लिए बतौर नुस्खा पेश किया जाता है। आने वाले कल में वही लोग इस नुस्खे के बारे में यह कहा करते हैं कि अब इसको बदलने की अशद जरूरत है, लेकिन जो गैर हिरा से नुस्खे कीमिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया वो न फर्ज टाइम है, वो न किसी खास तबके और खत्ते के लिए खास है, बल्कि वो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए काफी शाफी है, जिसके बारे में मौलाना हाली रहमतुल्लाह अला कहा करते थे, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया खरा और खोटा अलग कर दिखाया, रहा डर न बेड़े को मुझे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। आपको शायद जहन में ये सवाल उठा होगा, क्या जरूरत थी जिम्मेदारान को, मुंतजमीन को, मैनेजमेंट को, इंतजामिया को ये उनवान और ये मौजू मुंतखब करने में, क्या जरूरत थी उनको ये मौजू मुंतखब करने में? दरअसल यही वो पैगाम हक है और यही वो हर्फ आखिर है जिसके बारे में अपनों के साथ साथ गैरों का भी एतराफ है। अरबी में कहा जाता है अल हक्कु मा शहिदत बिहिल आदा, आनर रिगार्ड रेस्पेक्ट बुलंदी अजमत उसी चीज को करार दिया गया है जिसके बारे में गैर अपनी न सिर्फ लबकुशाई पेश करे बल्कि गैरों का भी मानना हो कि ये इंसान और ये शख्सियत हमारे लिए नमूने से कम नहीं, गैरों का मानना है। इस्लाम इज द ओनली रिलीजन विच अपील टू एवरी एज, इस्लाम ही वो वाहिद नुस्खे कीमिया है, वो वाहिद नाजिल करदा दीन है, वो वाहिद दरस और सबक है जिसके बारे में हर दौर में हर एक का यह कहना है कि यही हर जमाने में काबिल अमल है और काबिल इफ्तिखार है, यही नुस्खा अप्रिशिएबल है और एक्सेप्टेबल है। जब तक इंसान इस आफाकी पैगाम का फॉलोअर न बन जाए तब तक उसको न कामयाबी हासिल हो जाए
ना अमन शांति मिल जाए ना सुकून करार हासिल हो जाए, क्योंकि दुनिया ने बहुत सारे नुस्खों को आजमा के अपने पीछे छोड़ दिया। इस वक्त इंसानियत जिन हालात में और जिन मसाइल में दूचार नजर आ रही है, उसका हल भी वाहिद इसी नुस्खे कीमिया में मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज होने के बाद जब हज्जतुल विदा अदा किया, जिसको हज्जतुल वदा भी कहा जाता है, हज्जतुल वदा कहा जाए या हज्जतुल विदा, इस तरह दोनों सही है। करीबन 125,000 अपने साथियों को लेके ये अजीम सफर और ये अजीम इस्लामी रुकन पाए तकबील तक पहुंचाने के लिए महवे सफर थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी अजीम सफर और अजीम पैगाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मुखातिब होके एक सवाल किया, अला उखबिरुकुम बिल ईमान। इस हदीस मुबारक को इमाम तिर्मिदी और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपनी सुनन और अपनी मुस्नद में जगह दी है, सुनन तिर्मिदी में और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में यह हदीस वारिद हो चुकी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से मुखातिब होके सवाल करने लगा, अला उखबिरुकुम बिल ईमान, क्या मैं आपको ईमान के बारे में इतला न दू, बाखबर न फरमाऊं। सवाल जहन में गूंजता है कि आज तक ये जमात 22 साल तक यही ईमान और इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते आए, सीखते आए, देखते आए, लेकिन इस अजीम इस्लामी रुकन को अदा करने के अजीम सफर में फिर से यह सवाल दोहराया जाता है, सवाल पैदा होता है कि इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है। ये ऐसी मैसेज थी जो उन दिनों भी और बराबर इला यौमिल क़ियामा तक इंसानियत को सुनाना सब के लिए और सब मुबल्लिगीन और उलमा के लिए लाजमी करार दी गई है कि इसी में इंसानियत की असल फला और कामयाबी का राज मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अजीम काफिला और अजीम सफर में सहाबा से यह कहता है, क्या मैं आपको ईमान के बारे में मुतल्ला न फरमाऊं, बाखबर न करूं। तो सहाबा बड़े ही अदब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज दाश्त हुए, कालू बला या रसूल अल्लाह, जरूर ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो इस मौजू की अहमियत और इफादियत इस दौर और रहती दुनिया तक कितनी लाजमी और जरूरी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया रिद्वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, ईमान ये है, बाईमान उसी को करार दिया गया है, अहले इस्लाम उन्हीं अफराद को करार दिया गया है, क्योंकि ईमान और इस्लाम जब अलग अलग बयान किया जाए तो ये हम माने होते हैं, जब किसी आयत करीमा में ईमान और इस्लाम को एक ही आयत करीमा में यकजा जमा किया जाए तो उस वक्त इन दो अल्फाज का माने अलग अलग होता है, जब अलग अलग इनका तज़किरा किया जाए तो ये
हम माने होते हैं, इसलिए मैंने इस्लाम का नाम भी लिया और ईमान का नाम भी लिया। अहले इस्लाम उसी को करार दिया गया है, अहले ईमान उसी को करार दिया गया है। अल्लाह अकबर, किसको? मन अमिनहुन्नास अला अम्वालिहिम व अन्फुसिहिम। सच्चा ईमानदार वही है जिसके जरिए इंसानियत को यह इत्मीनान हासिल हो। अल्लाह अकबर। थोड़ी बहुत मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। बाईमान उसी को करार दिया गया है जिसके जरिए इंसानियत को यह इत्मीनान हासिल हो कि इस शख्सियत की बदौलत, इस शख्सियत से मेरा ईमान, मेरा इस्लाम, मेरा माल जान हर वक्त महफूज मामून है। न मेरे माल को कोई नुकसान पहुंचाने का खदशा है, न मेरे जान को इसके जरिए कोई नुकसान पहुंचेगा। इसी इंसान को ईमानदार करार दिया गया है, अहले इस्लाम करार दिया गया है। यही इस्लाम की अदीम तालीम। आज देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल 1931 को कायम किया गया। याद रखना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस इदारे को असल में कहा जाता है ह्यूमन राइट्स डॉग। याद रखना, इस इदारे को कायम करने के पीछे जो दुनिया ने मकसद बयान किया वो ये था कि ये इदारा इंसानी हकूक का चौकीदार होगा। इस इदारे के जरिए इंसानी हकूक का तहफुज किया जाएगा, किसी इंसान पे कोई जुल्म तशद्दुद नहीं होगा, उसके दिफा में यह इदारा अमल में लाया गया। दुनिया के किसी खित्ते में अगर किसी इंसान पे ज्यादती की जाए तो यह इदारा सीना सिपा होके उस इंसानियत को, उस इंसान को अपना मकाम और वकार देने में अपना रोल अदा करे। लेकिन 1931 में इसका कयाम अमल में लाया गया। 1991 में इस इदारे की 30 साल मुद्दत पूरी होती है और 7 साल मुद्दत पूरे होने के बाद इस इदारे ने अभी तक कोई तकरीब नहीं मनाई। एक लेडी नुमाइंदे से जब प्रेस वालों ने सवाल किया, आपकी मुद्दत अब बहुत हो चुकी है, अभी तक आपने इस इदारे के हवाले से कोई एक तकरीब क्यों नहीं मनाई, उस लेडी नुमाइंदे ने जवाब दिया, There is nothing to celebrate। हमारे यहां कोई ऐसा कारनामा अमल में नहीं लाया गया, हमारे यहां कोई ऐसा कारनामा देखने को नहीं मिला, हमारे यहां कोई ऐसी किरण देखने को नहीं मिली जिसको हम बतौर तकरीब यहां पर पेश करते। There is nothing to celebrate। यहां पर कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिसको हम बतौर तकरीब यहां पे पेश करते, इसलिए हम इस इदारे के हवाले से तकरीब मनाने में अभी तक कासिर नजर आ रहे हैं, अभी तक बाईद नजर आ रहे हैं, अभी तक दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं, आप कोई भी जिंदगी का शोभा लीजिए, इस्लामी दुनिया में और इस्लामी तालीमात में जो बुनियादी हसीयत रखता है वो है अकीदा। आप अकीदा ले लीजिए, आप अखलाक ले लीजिए। अखलाक के बारे में अभी मेरे मोहतरम बशारत बशीर साहब कुछ बातें बयान करने की सआदत पेश कर चुका, अल्लाह ताला इनकी सई और कोशिश को अपने यहां कबूल फरमाए। एतिकाद अगर आप ले लीजिए, अगर आप अखलाक ले लीजिए, जो भी इस्लामी चैप्टर आप खोलना चाहे, जो भी इस्लामी
सीरत और इस्लामी वर्क आप देखना चाहे उसमें आपको ऐसा ताबनाक नमूना नजर आएगा जो हर जमाने में काबिल अमर और काबिल इफ्तिखार रहा और रहेगा। मसलन एतिकाद के हवाले से, सुनन दारिमी के हवाले से, इमाम दारिमी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान फरमाया। इमाम मुजाहिद कहा करते थे, आपको तारुफ होना चाहिए कि इमाम मुजाहिद किस अजीम शख्सियत का नाम है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के शागिर्द रह चुके और उससे कुरान मजीद का तफसीर इन्होंने हासिल किया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। बल्कि इमाम मुजाहिद कहा करते थे कि मुझे अपने उस्ताद मोहतरम हर आयत पे रोकता था, हर आयत पे रोकता था और फिर कहता था आपने इस आयत करीमा का तफसीर मुझसे क्या सीखा। जब मैं सीखा हुआ तफसीर अपने उस्ताद के सामने बयान करता, जब मेरे उस्ताद मुतमईन होते तब मुझे आगे बढ़ने की इजाजत मरहमत फरमाया करते थे। अल्लाहु अकबर। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, इसीलिए उलमा का कहना है जब इमाम मुजाहिद की तफसीर सामने हो तो फिर किसी और दूसरे तफसीर की जरूरत नहीं है। इमाम मुजाहिद कहा करते थे, मेरा एक गुलाम मुझसे कहा करता था, हे मेरे मालिक, हे मेरे मज्जादी मालिक, मुझे याद है जब दौरे जाहिलियत में मुझे अपने बड़ों ने कुछ नजराना दे के अपने माबूदान बातिल के सामने रखने का हुक्म किया। वो नजराना आपको मालूम होगा, वो नजराना घी और दूध था। घी और दूध लेके मुझे अपने बड़ों ने माबूदान बातिल के सामने रखने का हुक्म किया। मैं चल बसा, जब मैं चल दिया तो रास्ते में मुझे ख्वाहिश उमड़ आई, ख्वाहिश जाहिर हुई, दिल ने चाहा कि ये नियामतें आप खुद खा लो, लेकिन माबूदान बातिल का खौफ था कि कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुंचाए। सुन लो, इस्लाम ने एक इंसान को किस पसपाही से उठा के आला मकाम तो फायज किया, लेकिन आज का इंसान जो इस वक्त पशेमानो परेशान नजर आया है, इसकी बुनियादी वजह है इट इज ऑनली बिकॉज ऑफ डिवेशन, इट इज ऑनली बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, क्योंकि हम उस प्रोग्राम से बईद नजर आ रहे हैं, उस एतिकाद, उस अखलाक और उस अजीम पैगाम से दूर नजर आ रहे हैं जो पैगाम इंसानियत की फला और कामयाबी के लिए हमारे खालिक के बरहक ने इंसानियत के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। जब तक इंसान, आज का इंसान उस पैगाम से अपना रिश्ता फिर से मुस्तहकम और मजबूत न करे, तब तक यह इंसानियत उठने के काबिल नहीं मालूम होगी। याद रखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जानिसार, इस ताबेदार और फरमाबरदार उम्मती इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि मुझे अपना गुलाम कहा करता था, रास्ते में मुझे ख्वाहिश उठी कि मैं ये नियामतें खुद खाऊं, लेकिन खौफ था कि ये माबूदान बातिल कहीं मुझे नुकसान न पहुंचाए। मैंने चारों नाचार ये नियामतें माबूदान बातिल के सामने रखे। उसके बाद एक कुत्ता आया, एक कुत्ता आया, उसने ये नियामतें मेरे आंखों के सामने खाई, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ कहने से कासिर था। मैंने उनसे, अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से कुछ नहीं कहा।
बल्कि मेरे आंखों ने यह मंजर भी देखा कि यही कुत्ता जिसने घी और दूध वाली नियामत खाई, अभी मदरसे का यहां पे प्रोग्राम जो रखा गया है उसकी संगे बुनियाद, उससे पहले यहां से निकलना शायद आपके लिए और हमारे लिए जेबा नहीं है। मैं मुख्तसरन चंद बातें अर्ज करके आपसे रुखसत होऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी वक्त है क्योंकि ये वादी नहीं है, यहां देर से चलना आपके लिए दुश्वार नहीं है, बल्कि यहां से आपको अपने मकामा तक पहुंचना आसान से आसान तर है। इसलिए मंदुबीन से गुजारिश है कि वो सब्र से काम ले और मजलिस के इख्तिताम तक यहां पर तशरीफ आवर रहे ताकि अल्लाह हमारी मगफिरत फरमाए। मैं जम्मू वासियों को बिलखसूस से गुजारिश करूंगा, जो शख्सियत इस वक्त इनके सामने है, आप उनके सामने है, इतनी मशक्कतों और मेहनतों के बाद ये तैयार हो गए। आज ने बहुत प्रोग्राम होते हैं, आप जैसा कि जानते हैं सारी रियासत में सारी वादी में दो दो तीन तीन प्रोग्राम के होते हैं, और ये गनीमत लम्हात है उनके लिए कि मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब हमारे गुलशन तौहीद सुन्नत का ये चह चहता हुआ बुलबुल, ये बुलबुल तौहीद सुन्नत आज उनके सामने है। दामन गरिए इन फूलों से, ये घड़ियां बार बार नहीं आया करती, और आप आज आप एक तारीख बना रहे हैं, आपको एक तारीख का गवाह रहना है, जिस तरह मैंने आपको एक तारीख बयान की आज आप वहाँ एक तारीख बना रहे हैं। ये मत देखिए आपके 10-15 मिनट खुदा रखा था जाया हो रहे हैं, आप तारीख बना रहे हैं। जिस अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अहमद सदी की मैं बात कर रहा था उसी के नाम से यहाँ अजीम इदारा कायम हो रहा है इंशाअल्लाह। इस तारीख का हिस्सेदार बनिए, माली भी जिस्मानी भी और एक शाही और गवाह की हैसियत भी। मुश्ताक साहब बार बार नहीं आते, मुश्ताक बन के रहिए और सुनते रहिए। जज़ाकअल्लाहु खैर। फिर जब मैंने इस कुत्ते को यहाँ पे ये नियामतें खाते हुए देखा, उससे बड़ा झटका मुझे उस वक्त लगा, शाब गुदरा, बहुत ही तकलीफ मुझे पहुंची उस वक्त जब इस कुत्ते ने ये नियामतें खा के फिर इन माबूदाने बातिल पे पेशाब फेर दिया। उसी वक्त मुझे ये लगा कि ये हमारे माबूद नहीं हो सकते, जिनको ये तक ताकत हासिल नहीं है कि वो अपने आप को किसी भी जानवर के पेशाब से दूर रखे, ये हमारे माबूद नहीं हो सकते। उसी वक्त मुझे थटक हुई और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को स्टडी करता रहा, इस्लाम को देखता रहा, सीखता रहा, फिर अल्लाह ने मुझे इस्लाम की अजीम नियामत से मुशर्रफ फरमाया, मुनव्वर फरमाया। एक तरफ यह आलम था एतिकादन इंसानियत का, दूसरी तरफ अगर आप लोग अखलाक परखना चाहे तो अखलाकी तौर पर आपको इंसानियत इतनी कमजोर और गिरी हुई नजर आएगी कि आज भी वो कहना और सुनना एक इंसान के लिए बहुत ही गिरा गुजरता है, क्योंकि इंसानियत इस हद तक गिरी हुई नजर आती थी कि एक इंसान अपने साथ सफर के दौरान 4 पत्थरों को साथ लेता था, 3 पत्थरों से चोले की काम लेता था, चूल्हे की काम लेता था जिस पे वो अपना खाना तैयार करता था, और चौथी पत्थर को बहसित माबूद उस जगह अपने आप में पेश करता और उसी पत्थर की तब तक इबादत किया जाता था जब तक ये काफिला उस जगह पर रुकने की मन बना हुआ था। अल्लाहु अकबर। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पसपाही से इंसानियत को ऊपर उठाया और उस आला मकाम पर फाइज किया जिसको देख के आज इंसानियत न सिर्फ खुश होती है बल्कि अपने आप को बाइस विकार और बाइस मकाम समझती है जब अखलाकी तौर पर वो नमूना उसको सामने लाया जाता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को देते हुए इस दुनिया से रुखसत हुई। अभी मेरे मोहतरम और जीवकार अखबार मुस्लिम के एडिटर
محترم بشارت بشیر صاحب اس کے چند نمونے پیش کرنے میں آپ کے سامنے میں بھی گفتگو تھا. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک مثال فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں کہا کرتا ہے کہ گاندھی جی نے جب اپنی سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں لایا, گاندھی جی جو ہے شکراً یا ربی شکراً قلبي شكرا وقت دربي شكرا.